हाँ जी गाइस, आज हम फिर चावड़ी बाजार में आए हैं और आज हम आपको लेकर आए एक यूनिक कंसेप्ट। आपने छोले कुलचे बहुत खाए होंगे, तो आज आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे। बाकी भैया से बात करते हैं और आपको यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आइए भैया से बात करते हैं। हेलो बॉस, क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, तो भैया फर्स्ट फ्लोर वाला कंसेप्ट क्या है ये? सर, हमारी पीढ़ी दर काम चलता हुआ आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन हूँ मैं। फोर्थ जनरेशन मेरे फादर बैठते हैं यहाँ पे, जिनका नाम राजकुमार जी है। उनकी फोटो भी देख सकते हैं हम लगी हुई है। तो पहले हम नीचे बैठा करते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से हम ऊपर आ गए। एक्चुअल में क्या है कि हमने ऊपर बैठना स्टार्ट करी तो लोग बागों ने प्यार से हमें नाम दिया फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे। तो इसी नाम से हमारे को जाना जाता है, वैसे राजकुमार छोले कुलचे वालों के नाम से। सर, यूनिक कंसेप्ट है, एक देखने में क्या कैसे लगता है? अट्रैक्टिव, देखने में भी अट्रैक्टिव है और खाने में भी। तो आप, हमारी एक प्लेट लगी है सर, हमारे पे तीन वैरायटी होती है। एक नॉर्मल होती है जो कि 40 रुपीज की प्लेट होती है, उसमें वॉइल्ड छोले होते हैं, नमक मसाला मिला करके दिए जाते हैं। एक होती है मक्खन वाली और एक होती है मक्खन पनीर वाली जो कि फ्राइड होती है तवे पे। एक मक्खन में और उसकी प्लेट है 60 रुपए की और मक्खन पनीर में 80 रुपए की प्लेट। तो आप जो सबसे ज्यादा फेमस है, हाँ, वाली प्लेट लगेगी हमारी मक्खन पनीर वाली स्पेशल प्लेट है, फर्स्ट फ्लोर स्पेशल पनीर वाली। तो आप हमारी वो लगेगी, एक प्लेट सर की लगवा दीजिए मक्खन पनीर। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट फ्लोर वालों के स्पेशल पनीर कुलचे लगने वाले हैं। तो हाँ जी बॉस, आप हमारी प्लेट लगाइए आराम से। ये लो, ये इसमें आया सर बटर। ये मतलब कौन सी कंपनी का बटर? अमूल होता सर, अमूल का। इसमें आया ये प्याज जी, टमाटर जी और हरी मिर्च। तो मतलब ये कैसे में कुलचे छुकेंगे, छोले छुकेंगे इसमें? इसमें छोले छुकते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब गाइस छोले के तड़के में भी इतनी खुशबू आ रही है, मतलब देखते ही, अभी हमने इतना कुछ खाया था और देखते फिर दोबारा भूख लगी आई। तो हम आपको खा के दोबारा एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ का। ये आ गए हमारे छोले तीन। ये लगा हुआ छोलों का तड़का, छोले आ गए। तो भैया इनका जो ये तो आपने तड़का लगा दिया, ये छोले बनाने का इसका बेस क्या होता है? सर उसमें बॉइल्ड होते हैं, वो भी आपको भैया बताएंगे। ठीक है। मतलब कि यूनिक कंसेप्ट है इसके अंदर। दो वैरायटी बनी है, आपके बटर वाले बनने हैं जी, लास्ट में आपकी प्लेट बनेगी बटर पनीर जी। ये तो खाली बटर के अंदर है, ये खाली बटर के अंदर फ्राइड है जी। ये 60 रुपए की प्लेट है जी। और हमारी अभी आपकी लास्ट में प्लेट लगेगी, ये देखिए, ये पे हमारे मसाले हैं जी। इधर दिखा दो। तो ये मसाले दादा लाए हैं? दादा परदादा से वही चला आ रहा है कल्चर। अच्छा, आज तक हमने ये नहीं कहा कोई बाजारों मसाले लगाए, जिससे पेट खराब हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने घर के मसाले लगाए जाते हैं जी। ये आ गया आपका धनिया, ये आ गए आपके दही और प्लस क्रीम, कोई मेयोनीज नहीं, ओनली दही और क्रीम। अच्छा, दही और क्रीम। मेयोनीज वगैरह आजकल क्या है, नुकसान करते हैं, अरारोट की आती है, अरारोट की रिफाइंड की नहीं है, बेकार है वो चीज। तो अभी ये अब इसमें आएगा मक्खन वाले, अब लगने वाले मक्खन और पनीर, जिसमें सर अब आपका पनीर आएगा। आ गया पनीर। पनीर कहाँ का, मतलब घर का बना पनीर? तो भैया हम बाजार से जाता है, बाजार से जाता है, मतलब गढ़वाल का पनीर नहीं है, पर आजा बाहर का ही है। जैसे लोग कहते थे गढ़वाल पनीर है, ऐसा कुछ नहीं है, बाजार का पनीर आता है और अच्छी क्वालिटी का आता है। थोड़ा खट्टा लगाना भाई, मतलब ऐसे लग रहा है छोले नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है पनीर की भुर्जी बन गई हो। अब ये आ गया आपका इमली की चटनी। कोई चटनी? इमली की चटनी आ गई। छोलों के अंदर इसके बगैर टेस्ट ही नहीं है जी। मतलब यूनिक अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पनीर की भुर्जी सी बना के, छोले तो लगे नहीं थे। आगे हम खा के इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। जब आपकी प्लेट इधर से तैयार है सर, ऐसे गार्निशिंग हो गया अपने मसाले के घर वाले। हमारी प्लेट को मॉडिफाइड किया जा रहा है, ये अपने मसाले आ गए, ये थोड़ा जीरा आ गया, जीरा ठीक है जी।
अब इसको थोड़ा हम मेल्ट करेंगे जी, मिलाएंगे इसको। अब ये थोड़ा मिक्स हो गया है जी, ये आ गया घर का हाथों का जादू, ये आ गया लेमन अपना, ये आ गया धनिया, ये अपना वही आ गया क्रीम और वो क्रीम और दही की क्रीम और दही। ये लीजिए सर आपकी प्लेट। मालिक इसका प्राइस और बता दो एक बार और। इसकी 80 रुपीस की कॉस्ट आती है, इसका 80 रुपीस की कॉस्ट है। तीन कुलचे और छोले आते हैं इसके अंदर जी, बटर पनीर के अंदर फ्राइड होते हैं। डन। तो बॉस ये आ गए हमारे कुलचे, तो कुलचों की यही वैरायटी है और भी वैरायटी है सर? कुलचों की यही वैरायटी जी जी, जी जी नहीं एक जगह मैंने देखे मसाले के मोटे वाले वो आते हैं। नहीं, नहीं। वो हम पुरानी दिल्ली का जो चला आ रहा है ना जी, उसी को चला रहे हैं। अच्छा, वही पतले वाले छोले कुलचे मोटे तो आपको कॉलोनियों में हर जगह मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी जी। और अगर जो चांदनी चौक चावड़ी बाजार में जिन्हें छोले कुलचे नहीं खाए, समझो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चीज मिस कर दी। आपके कुलचे तैयार हो गए हैं सर जी, अब इसमें हम सलाद लगाएंगे सर जी। जी आई प्याज जी, ये खीरे जी, और ये मिर्च का अचार जी। ये आपके आप कुलचे तैयार है, मतलब स्ट्रीट फूड में भी आपको 5 स्टार वाली फैसिलिटी मिल रही है, मतलब इतना तो सजा बजा के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता खाना जितना भाई के आप देख ही सकते हैं। और हम आपको खा के यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। डन। तो दोस्तों आ गए हमारे 5 स्टार, मतलब 5 स्टार होटल वाले से भी अच्छे फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे। तो आइए ये हमारी पहली बाइट लेते हैं इसकी, मतलब मक्खन ही मक्खन है, छोलों में भी मक्खन है, कुलचों में मक्खन है, मक्खन मक्खन तो ऐसे तैर रहे हैं जैसे बाढ़ में पानी तैरता है। ये देख ही सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब आपको मैंने बताया बिल्कुल ऐसा लग रहा है पनीर की भुजिया हो। हाय हाय भाई साहब लाजवाब, चावड़ी बजा की जायकेदार गली की, आपने ये चीज नहीं खाई तो आपने बहुत चीज मिस कर दी, मतलब भाई इतना टेस्टी है मन कर रहा है पत्तल चाटने का ही मन कर रहा है। अब पत्तल चाट दूंगा तो फिर छोले कुलचे बच जाएंगे, छोले कुलचे बेस्ट हो जाएंगे, मतलब इतना यम्मी है। वही वाह, मतलब इतना टेस्टी है उंगली चाट जाओगे एक बार आपने चखा, चखने के साथ साथ सारा खाने के बावजूद भी जो भी उंगली में बचेगा उंगली तक चाट जाओगे, इतना टेस्टी है। तो आप चावड़ी बाजार में आ रहे हैं तो सीधा बाजार के मार्केट में एंट्री करते स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट फ्लोर वाले भैया दिख जाएंगे, तो आप इनके छोले कुलचे खाने मत भूलना, और गाइस लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो दोस्तों हम अपने छोले कुलचे खा रहे थे, तो हमें भैया और मैम मिली, ये नोएडा से आए हैं स्पेशली छोले कुलचे खाने। तो हेलो मैम, कैसे लगे आपको? बहुत टेस्टी है। और बॉस आपको? तो मतलब आप कब से आ रहे? फर्स्ट टाइम है? आपसे पहले खा चुके हो यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमने पहले नहीं खाया है। पहले नहीं खाए? हाँ। तो जैसे आपने बोध जी के खाए और यहाँ का टेस्ट कंपैरिजन करा जाए तो कैसा? अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड प्लेस बेस्ट है। और टेस्ट भी, मसालों खेल भी बेहतरीन है, जो क्लीन है, मतलब क्लीन वे में बनाते हैं, दैट इज आल्सो। हाइजीनिक भी बढ़िया है, और इनका बैठने का जो इनका कांसेप्ट है फर्स्ट फ्लोर, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब ये चीज हमने थीम कई इतनी जगह खा ली पर फर्स्ट जगह फर्स्ट टाइम देखी है ये वाली। नहीं, दैट्स गुड, टेस्ट इज गुड जी। तो आप हमारे ऑडियंस को रिकमेंडेड करेंगे कि यहां आके खा सकते हैं? फॉर श्योर, इफ यू आर कमिंग टू चावड़ी बाजार प्लीज मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड हैव दिस यू नो छोले कुलचे ऑफ कोर्स। तो गाइस आप भी आना और ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना वो कैसे लगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you.